जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का स्वागत करता हूँ। आज के स्टूडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से वो कोटा हैं जिनके थ्रू अब केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन नहीं होते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ही है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को अभी भी कोटा और कैटेगरी की सही जानकारी नहीं है, इसलिए वो मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछते रहते हैं और मैसेजेस करके भी पूछते हैं कि सर इस कोटे से एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इस कोटे का भी एडमिशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट इनकी जानकारी होनी चाहिए कौन कौन से कोटा ऐसे जिससे कि अब एडमिशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले आता है HRM कोटा, इसके थ्रू अब बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं। पिछले कई सालों से जो है HRM कोटा से जो है सैकड़ों बच्चों के एडमिशन होते थे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में, लेकिन अब जो है HRM कोटा से एडमिशन नहीं होते हैं। उसके बाद एक और था MP कोटा। MP कोटे के थ्रू क्या था कि पहले जो 10 बच्चों के लिए MP द्वारा जो है रिकमेंड किया जाता था एडमिशन के लिए, अब वो कोटा भी समाप्त हो गया है। पिछले एक दो साल से एडमिशन नहीं हो रहे इसके थ्रू, ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। उसके बाद एक और था कि MP जो है अपने बच्चे के लिए खुद रेकमेंड कर सकता था केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए, इसकी जानकारी बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं थी। बस उनको ये पता था कि MP कोटा होता है जिससे कि 10 बच्चों के एडमिशन होते हैं, लेकिन एक MP के पास ये भी अथॉरिटी था, ये पावर था कि वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए खुद रेकमेंड कर सकता था एडमिशन के लिए। देखिए वो कोटा भी जो अब केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद एक और है चेयरमैन कोटा। अगर आप इसको दूसरे शब्द में बोले विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, इसमें क्या था कि 2 बच्चों के एडमिशन के लिए जो रेकमेंड कर सकते थे चेयरमैन जो थे, लेकिन अब जो है वो भी कोटा समाप्त कर दिए गए, उसके थ्रू भी जो है बच्चों के दाखिले नहीं होंगे। उसके बाद एक और था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में MOE कहते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर के द्वारा जो है 100 बच्चों के एडमिशन के लिए रेकमेंड किया जाता था, लेकिन अब जो है वो कोटा भी समाप्त कर दिया गया। यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन अब खुद भी जो है MOE के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी है वहाँ के, उनके बच्चों के दाखिले के लिए अब रेकमेंड नहीं कर सकता है। जो 100 बच्चों के एडमिशन होते थे अब वो कोटा भी समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद एक और कोटा था DDA कोटा, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मतलब इसके लिए क्या होता था कि जो दिल्ली के अंदर जो भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल है उसमें से अगर कोई DDA की ज़मीन पर अगर बना होता था तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के 5 बच्चों के लिए जो है सीटें रिजर्व होती थी। ये चाहे तो एक एक क्लास में भी हो सकते थे, ये चाहे एक क्लास में भी टोटल 5 बच्चे हो सकते थे। ये कोटा भी जो है अब समाप्त कर दिया गया है। अगर और कोई ऐसी स्पॉन्सरिंग एजेंसी है जिसके ज़मीन पर अगर केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना हुआ है तो उसके लिए भी जो है अब कोटा समाप्त कर दिया गया, यानी इसके लिए भी अब उनको जो है कोटे का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक और जो बहुत महत्वपूर्ण कोटा है वो है ग्रैंड पेरेंट्स कोटा। क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिससे कि ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो क्या होता था कि जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के एडमिशन के लिए जो है अप्लाई कर देते थे अपने सर्विस कैटेगरी से, लेकिन अब वो कोटा समाप्त कर दिया गया है। आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर बच्चे के दादाजी एयरफोर्स से रिटायर हैं, या बच्चे के फादर जो है सॉरी बच्चे के दादाजी या नाना जी आर्मी से रिटायर हैं या डिफेंस में थे, तो क्या उनका लाभ मिलेगा? तो उनका कोई लाभ अब नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एक और बात बता दो कि जो IHL और प्रोजेक्ट सेक्टर का KV है सिर्फ उन्हीं के लिए वहाँ पर मिलता है, अगर वो भी सर्विस में है तो उन्हीं के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एडवांटेज मिलता है, बाकी सबके लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ IHL और प्रोजेक्ट सेक्टर के जो इम्प्लॉयज़ होंगे उन्हीं के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बस सर्विस कैटेगरी मिलेगा, अदर किसी और के लिए कोई इसका एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। आप सभी समझ गए, ग्रैंड पेरेंट्स कोटा जो है अब नहीं है। वैसे एक कोटा नहीं था लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू जो है बहुत सारे बच्चों के एडमिशन होते थे, अब वो एडमिशन नहीं होते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को इसकी जानकारी नहीं थी और वो मुझसे लगातार ये पूछ रहे थे कि सर इस कोटे से एडमिशन हो जाएगा क्या, इस कोटे से हो जाएगा, इससे कहीं से हो सकता है। तो बस मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि अब ये सारे कोटा जो है बंद हो चुके, इसके थ्रू केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन अब नहीं होते हैं। इस साल की गाइडलाइन आने के बाद अगर और कोई बदलाव होता है कोटा इन कैटेगरी में तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा ताकि आपको सब कुछ पता हो कि कौन कौन से कोटा है कौन कौन से कोटा नहीं है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में बस एक और बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं तो प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और साथ ही साथ CS टेक्निकल को और मेरी वीडियोस को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि जो पेरेंट्स जिनको जानकारी नहीं है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के उन सबको मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियोज़ के माध्यम से हेल्प मिल सके।
तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।